सुपेला के रेलवे फाटक पर बन रहे अंडर ब्रिज के नक्शे से दक्षिण गंगोत्री मार्केट के व्यापारी चिंतित थे कि उनका व्यापार समाप्त हो जाएगा, जिसे देखते हुए सभी ने विरोध किया और एक लंबी लड़ाई लड़ी। और आज रेलवे प्रशासन सहित जिला प्रशासन, निगम, भिलाई प्रशासन ने व्यापारियों का सहयोग किया और व्यापारियों की जीत हुई। भिलाई के सुपेला रेलवे फाटक पर बन रहे अंडर ब्रिज को लेकर दक्षिण गंगोत्री के व्यापारी खासे परेशान थे, क्योंकि इस अंडर ब्रिज से उनका व्यापार उन्हें खत्म होता नजर आ रहा था। तब उन्होंने एकजुट होकर दक्षिण गंगोत्री व्यापारी संघ के बैनर तले आंदोलन शुरू किया और अपनी बातें और अपनी मांग शासन प्रशासन के आला अधिकारियों सहित रेलवे प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाई। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज इस अंडर ब्रिज का निर्माण पुनः तेज गति से प्रारंभ हो गया है और अब अंडर ब्रिज के बाद 30 फीट की रोड व्यापारियों को उपलब्ध हो रही है, जिसके लिए दक्षिण गंगोत्री व्यापारी संघ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मांगों को उचित ठहराकर मानने वालों का हृदय से धन्यवाद किया है और कार्य की गति को देखकर यह भी कह रहे हैं कि शायद 2 महीने में अंडर ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ब्रिज निर्माण के शुरुआती दौर में आकाश गंगा की तरफ से एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बिल्डिंग को लेकर भी पेच फंसा हुआ था, अब वह भी साफ हो चुका है, जिसकी वजह से दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों को उनके मन मुताबिक 30 फीट का रोड मिल रहा है, जिससे अब यह व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से करते हुए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। काम बहुत अच्छा चल रहा है और जिस हिसाब से काम चल रहा है ये सब हमारे हिसाब से हो रहा है। पहले पूरे व्यापारी लोग को डर था, जब हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए थे हम सभी के मन में एक डर था कि क्या ये चिपक के बन जाएगा, हमारे हिसाब से बनेगा नहीं बनेगा, तो इस चीज़ का सभी व्यापारियों में डर था। और आज सभी व्यापारियों का मैं धन्यवाद करता हूं जो हम लोग के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को पूर्ण किए हैं। आज हमको 80% ये लगता है कि ये काम हमारे हिसाब से हो रहा है। इनके लिए मैं कलेक्टर महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और नगर निगम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, सांसद महोदय सभी का मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने ही हमारी लड़ाई को पूर्ण करने में योगदान किया है, एक सहयोग किया है। और प्लस समय समय पे जब जब लगा DRM साहब भी, रेलवे के DRM साहब भी, सभी पदाधिकारी अधिकारी सब आके जगह पे जायजा लेके और सहयोग भी किया इन्होंने, सभी का मैं धन्यवाद करूँगा जी। मेरा भी अनुमान है कि 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे अपने कलेक्टर साहब हैं और अपने सांसद महोदय हैं, मैं इनसे, रेलवे के अधिकारियों, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनके कोशिशों के कारण हमारा सफल हो गया, जो हमारी लड़ाई थी वो पूरी हो गई जी। अभी हमारे हिसाब से पहले तो जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने बहुत आवेदन लगाया, बहुत गुहार किया, तो अब हमको जगह बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारा व्यापार सही ढंग से चालू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल हमारी जीत हुई है। हमारे जो जो इसमें पॉइंट थे वो सारे पॉइंट को रेलवे का और इनको मानना पड़ा निगम को, और इन्होंने हमारे हिसाब से ही अब बन रहा है। ये हमारी तरफ जगह भी पर्याप्त है, हमारे सामने से रोड भी आ रही है, ये सांसद महोदय और ये सबका मिला जुला प्रयास है, सबका धन्यवाद है। अब काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। व्यापार अब ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी 80% डाउट है, क्योंकि ये रोड बनने के बाद उसके बाद यहाँ क्या पोजीशन आती है, आदमी वहाँ से रिटर्न कितना होता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही व्यापार उठ पाएगा। तो फिलहाल खुश हैं आप लोग? बाकी हाँ, फिलहाल हम लोग खुश हैं काफ़ी, और बराबर जगह मिल रही है, शटर से हमको 35 फीट से ऊपर मिल रहा है और काफ़ी है, उतने में रोड पूरी बनेगी 30 फीट की, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल अब भी सुपेला में बनने वाले अंडर ब्रिज के कार्य को पूर्ण होने में काफ़ी समय बाकी है। देखना होगा कि अंडर ब्रिज पूर्ण होने के बाद दक्षिण गंगोत्री के व्यापारी अपने व्यवसाय को किस तरह से चला पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।